हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे डेडपूल एंड वुल्फरीन ऑफिशियल हिंदी टीजर, और ये आ रही है थिएटर में July 26th। अच्छा, जब हिंदी टीजर हिंदी में डब करके कोई हॉलीवुड की मूवी आए तो वो उसी सेम टाइम आती है जब ओरिजिनल आती है कि उसके लेट आती है? मतलब हॉलीवुड में या USA में पहले आती है और उसके बाद लेट उसको करके फिर वो भेज दे? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने तो अभी देखा ही नहीं कि मजेदार है मगर कॉन्सेप्ट की ऐसे डब कर रहे हैं। हमारे टाइम में भी मेहनत से डब करेंगे, ये देखना। हमारे टाइम में भी तो डब्ड मूवी होती थी, पर मुझे तो मजा नहीं आता था डब में, वो मजा नहीं आता ओरिजिनल मुझे सुन के ज्यादा। री रिकॉर्ड करते हैं विद इंडियन एक्टर की आवाज में कि कोई भी ले लिया बाद में डब कर दिया, देखते हैं। मेरे मतलब बाद में ले लिया का मतलब? कई बार तो होता है कि आप सीधा जो है किसी को बुला लेते हैं, वो कर देता है पूरा एक मतलब सिर्फ रील प्ले करते हैं, ऑडियो रिप्लेस करते हैं, राइट। मगर एक में होता है कि आप किसी को बना दिया, अननोन आदमी है जिसने आवाज़ से बोल दिया। एक होता है बोलते हैं कि अंग्रेजी इस एक्टर का, ये मतलब क्या बोलते हैं, बॉलीवुड का एक्टर है, इस लेडी का ये लेडी होगी, एक्चुअल एक्टर्स लेते हैं ऑफ बॉलीवुड। फिर एक्चुअल एक्टर जो है वो अपना अपना पार्ट जो है बोलते हैं जैसे एक्चुअल लोगों ने बोला था। मेरे ख्याल से आजकल डबिंग में तो क्वालिटी हाई हुई है, तो एक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन कौन सी मूवी है, एक्टर्स जो है जैसे कोई बहुत बड़ी मूवी है, हाँ बहुत ही बड़ी, जिसको पता है कि जैसे आपके वो कौन सी अवतार है, अगर अवतार जैसी बहुत हाई बजट मूवी उस टाइप की होगी तो वो फिर एक्टर्स या उस टाइप से लोगों को लेंगे। अगर कोई इतनी खास नहीं होगी तो वल्लू छल्लू किसी को भी ले लेंगे। किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वो अपना करता रहेगा, तो वो नहीं होना चाहिए भैया। आप बताओ इसमें देखते हैं, हो सकता है हमें आवाज़ से पता चले ये एक्टर है या वो एक्टर है, पर डेफिनेटली पूरा पहले टाइम से अब के टाइम में डबिंग की क्वालिटी तो बड़ी होगी, पर मैंने अभी तक डबिंग की डब्ड मूवी हॉलीवुड की देखी नहीं है, तो अभी देखते हैं कि कैसा लगता है, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश में ही देखते हैं मूवी सारी, तो हमें कैसा फील होगा ये देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले कुछ साल काफी मुश्किल भरे रहे, मगर मैं खुश हूं क्योंकि तुम सब मेरे साथ हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ मांग ही लो। क्या मांगा? ऋतिक रोशन था। वेड विल्सन, तू कौन है? रुक 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 रुक। डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा। मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूं, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। मिस्टर विल्सन, आपने बेहोशी की हालत में अपनी पैंट पीली कर दी थी। मेरी पैंट मेरी मर्जी, तू है कौन और मैं यहां कैसे आया? मेरे साथ चलो। वेट, तुम बड़े ही स्पेशल हो। तुम्हें मौका मिल रहा है हीरोज का हीरो बनने का। समझ रहा हूं तेरे दिमाग में क्या गोबर पक रहा है। मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो लगता है अब उन्हें है मार्वल का भगवान। अरे यार, क्या दूसरा वुल्वरीन खड़े खड़े क्या खुजा रहा है? मेरा भी खुजा दे। नहीं रहने दे, मिट गई खुजली। अच्छी मूवी लग रही है, और
जबकि मुंह और बोलना मैच नहीं करता, पर इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी अच्छी वजह से मतलब फिर भी फील नहीं हुआ। हृतिक रोशन बना हुआ था, हृतिक रोशन था, मुझे नहीं पता, मैं इतनी ध्यान से देख रही थी हृतिक हृतिक का पता क्या हृतिक हृतिक बोल रहे, फिर मुझे याद आया वो देखना था कि आवाज़ है किसके, मैं तो वो देख ही नहीं रही थी, मैं तो मूवीज देख रही थी सोच रही, वो ध्यान से देख रही थी कि स्टोरी क्या है इस मूवी की, तो हृतिक रोशन ही है क्या बताना, थोड़ा फेमिलियर लग रहा था तो तभी अच्छा लगता है। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर कोई बड़े वो मूवी का होगा स्पेसिफिकली उसे बुलवाए तो उससे फर्क भी पड़ता है, इसीलिए वजह से हो सकता है कि मूवी में इतना फील भी नहीं हुआ जबकि वो मैच नहीं करी थी। अच्छा ये बताओ कि हम देखेंगे, जब मूवी देखेंगे ना, मैं तो ये मूवी देखूंगी, तो इसमें मैंने ये देखना है कि जो डायलॉग वो बोल रहे हैं क्या वो इंग्लिश वाले डायलॉग्स कोई हिंदी में चेंज करके बोला है कि नहीं, तो जैसे वो खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, या वो पता नहीं क्या था कुछ एक दो और थे डायलॉग, मैंने कहा यार ये इंग्लिश में बोलना पॉसिबल नहीं है, कुछ था एक डायलॉग में कह रही थी इसको इंग्लिश में कैसे बोला होगा, पीली कर दी, हाँ वही वाला, तो मैं कह रही थी यार ये कौन कैसे बोलेगा इंग्लिश में, कैसे ये डायलॉग होगा, और कभी सुना तो बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन इसका इंग्लिश में जब मूवी देखेंगे तो मैं ये ध्यान रखूंगी, पर मूवी तो अच्छी लग रही है मुझे तो लग रहा है कॉमेडी भी लाए हुए थे, कॉमेडी लाए हुए थे हाँ, और साथ में फाइटिंग की भी जो चीजें दिखा रहे थे वो भी मजेदार लग रही थी, जैसे गन को वो यूं करके उसको उसमें डाल रहा है, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है पर फिर भी मजा आ रहा था। हाँ, वही कहते हैं ना कि पर वो दिखा रहे हैं कि ये सुपर ह्यूमन टाइप है, तो स्टोरी पे और एक्टिंग और सब पे डिपेंड करता है, ऐसी चीज आप किसी और कई मूवियों में देखते हो तो आप कहते हो क्या इलॉजिकल दिखा रहा है यार, बंदा जो है वो ये कर ही नहीं सकता, या जो करेक्टर बनाया है उसको प्ले करने के लिए वो लगता है आप अच्छा इसको हिंदी में कोई ध्यान से देखेगा तो बाद में वो दूसरी जो आती हैं बॉलीवुड की उससे कंपेयर करके देख सकता है कि कौन सी बेटर थी। डेफिनेटली ये बेटर है, अब तो टक्कर में आने लग गई है कई, मैं अब देख रही हूँ सोच रही हूँ, तो मैं पहले वाली सोच रही थी, अभी जो रिसेंटली आ रही हैं वो काफी क्लोज आ चुकी हैं हॉलीवुड के, वो फिर आप कंपेयर करिए और देखिए कैसे ग्राफिक्स थे, कैसा सब कुछ दिखाया था, क्वालिटी कैसी थी, नहीं क्वालिटी इसकी बेटर थी, क्लोज आप आ रहे हैं तो ये तो जरा सा इन्होंने ये मजेदार और ट्रेलर भी नहीं है मगर टीजर के जो काफी अच्छा दिया, डायलॉग्स एक तो अच्छे थे ट्रेलर जैसा और हमारे एक्टर्स ने बोले थे ये अच्छी बात है अच्छा और बड़ी जबरदस्त कॉमेडी वाले थे पूरे और फाइट सीन्स भी अच्छे थे, जो फाइटिंग वाले दिखा रहे थे, इतनी फ्लेक्सिबल बना दूंगा मार्वल डू टॉप टॉप का मतलब ये टॉप का कोई आ गया डिज्नी को उड़ा दूंगा मैं, पता नहीं क्या गया था इसके अंदर, काफी मजेदार बनाया हुआ था, इंटरेस्टिंग है, आई थिंक ये सब एंजॉय करेंगे, सब एज ग्रुप्स के लिए ठीक है। मैं ये नॉर्मली उन्होंने डेडपूल का थीम रखा है, जो डेडपूल का थीम होता है मार काट होती है और टेढ़ा इंसान है डेडपूल वो नजर आ रहा है। इसकी एक मूवी हमने शायद देखी थी तो मैं कह रही थी क्या गंदी सी मूवी है, वही थी आए हाय डेडपूल बहुत ही टेढ़ा इंसान है, तो मैंने कहा ये क्या गंदी से, मैं तो सो गई थी, मैंने कहा मैंने नहीं ये गंदा देखना, मैं सो गई थी, पर ये वाली तो मुझे मजेदार लगी है डायलॉग्स में, उसमें कुछ ज्यादा ही गंदा इसलिए अच्छी लग रही है, हो सकता है हिंदी में ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो आप ही बताना आपको कैसी लगी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।